रवानी ओ भाई बुलाओ बोल बटोल रामनगर कस्ते। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो यार आज का ब्लॉग हमारा तैयार होता है भाई, यहाँ पे हमारी दोनों गाड़ियाँ हो गई खड़ी रो में भाई, हमारे ब्लॉग में दिखाई दे रहे हैं आप सभी। बॉस की सीख गया, बॉस के साथ रहूंगा, हमने भाई रोमी भाई से सब कुछ सीखा जो यहाँ स्टेप है भाई इन्हीं का है। तो यार अब क्यों ना गाड़ी का थोड़ा चेक द साउंड मजे लेते हैं। भूल गए भाई इंडिकेटर कौन सा दे रखा है तुमने। चलो भाई यहाँ पे फ्यूल नहीं है, आगे एक और है। चलो चलो मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो। यार बता रहा था घरों में भाई ने GoPro 7 ले लिया है और काफी बाइक बढ़िया है, वो वीडियो शूट करने के लिए अपना बाइक में बाइक से ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। उसमें बोल सकते हो यार फोन पे तो भाई ब्लॉग चलो तैयार करना बड़ी दिक्कत की बात होती है। सरप्राइज है आप लोगों के लिए, सभी के लिए। तो हमारे ब्लॉग भाई बिल्कुल मिस मत करना। हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है। तो यार फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं बराज में, हल्का सा पीछे है भाई, इतना एक्साइटेड है यहाँ पे आने के लिए, काफी टाइम बाद आया हूँ। और तो हम लगाते हैं भाई गाड़ी पार्क साइड पे गई, हम यहाँ लगाते हैं भाई पार्किंग। तो यार फाइनली हम पहुंच चुके हैं बराज पे, अब थोड़ा हम देखते हैं अंदर जाते हैं। और रोमी भाई लगे हुए भाई शूट करने पे अपने GoPro के साथ, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और यार हम यहाँ पे निकल चुके हैं और हमने भाई बाइक अपनी यहाँ पे पार्क कर दी है। और भाई मेरा हेलमेट तो ऐसी रह गया भाई, मैं हेलमेट यहाँ पर ऐसी भूल गया था अभी। कह रहे भाई अभी करते हैं भाई जिम करते हैं, अब भाई खाना खा के थोड़ी है शाम को भाई, यहाँ पे शाम को जिम करेंगे सुबह। तो यार यहाँ पे पता है रामनगर में दीपक का भाई सबसे फेवरेट चीज़ क्या है, दीपक को भाई पसंद है खस्ते रामनगर के। और मैं से भाई मैं चिढ़ाता था, मैं और दीदी हमसे चिढ़ाते थे, हम बोलते थे ऊद बुलाओ गोल बटोल रामनगर के खस्ते को गोल। तो यार फाइनली भाई हम अंदर एंटर हो चुके हैं, ये भाई कुछ इस तरीके से नज़ारा है। और वो डस्टबिन रखी हुई है भाई, कुछ भी खाओ पियो यहाँ पे डस्टबिन में फेंको, कुछ नज़ारा हुआ और क्या सुंदर दृश्य भाई देख सकते हो। हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो। शाम के टाइम में काफी भीड़ होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे चलते हैं आगे आगे की ओर एंटर होते हैं। तो भाई हम निकल गए आराम से, ठीक है। तो हम भाई एंटर तो यार अब एंटर हो चुके हैं भाई अंदर की ओर। आज ब्लू है पानी पानी और दिन भी सानी सानी, आ जाओ ऑन द बीच यारा फोटो मेरी की, फूटी किस्मत होगी तेरी अगर तूने साथ न बांधी। ओ भाई फुल मजा। तो यार फाइनली हम पहले वहां पे थे भाई और हम यहां पे आ चुके भाई, सामने फुल मजा भाई। यहां पे रो भाई चने चुने सब बिक रहे हैं, खाना है कुछ भाई, देखना जरा पीछे को देख लो एक बार, ए पर्दा नसी समा है तुम रह सके। तो यार भाई पार्क हमने पूरा घूम लिया, अब यहाँ से निकलते हैं भाई, हम लोग गलियों में घूमा जाए थोड़ी, वहाँ की मार्केट में घूमा जाए। चलो भाई करते हैं चेक द साउंड, सब बोलो वू। तो यार हम निकल चुके हैं भाई अपनी रामनगर की गलियों में, प्यारी थी पतली पतली गलियों में। तो भाई हमारा प्लान कुछ ऐसा है, आप भाई रोम में भाई पछता रहे बोलते हैं भाई मोमो खाने तो भाई हमने बालाजी के मोमोज करवा लिए 3 प्लेटों पे। और भाई अब खाने की तैयारी के लिए टूटना पड़ेगा यहाँ पे, ये रोमे भाई ये दीप भाई। तो भाई आपके मोमो इतने स्वादिष्ट होते हैं, इनका राज क्या बोलते बताओ हमें। भाई भाजपुर से यहाँ पे आए खाने के लिए स्पेशल, थोड़ा बहुत सीक्रेट बता दो इसका मोमो बनाने का। सीक्रेट ये मोमो है, ऐसे उठाओ और ऐसे खाओ। गरम भाई मजा ये मेरे को सूट कर रहा है, मेरे को सूट कर रहा। यहाँ पे भाई लग चुके हैं मोमोज और खा रहे भाई, काफी टेस्टी हो रहे हैं। और भैया भैया अपने मोमो बनाने का सीक्रेट बता नहीं रहे हैं ताकि हम ना बना दें इनके बगल में। यहाँ पे लेते हुए मुस्कुरा के दिखा दे रहे हैं प्यारी सी हंसी। तो भाई हमने मोमो खा लिए हैं और हम चले भाई
रामनगर के खस्ते खाने के लिए, बहुत फेमस है भाई रामनगर के खस्ते। अब हम इन गलियों में भाई घूम रहे हैं। मोमो तो काफ़ी टेस्टी थे यार, मज़ा आ गया था। और वो तो भैया भैया अपना सीक्रेट बता ही नहीं रहे थे मोमो बनाने का। लगी हुई है काफ़ी भीड़ और यहाँ पे हम करते हैं बाइक अपनी पार्क। कितने सुंदर लग रहा है, क्या तनख्वाह मिल रही है भाई? यहाँ पे हमने तीनों भीड़ लगा दी भाई कस्ते की, यहाँ पे करेंगे। तो भाई यहाँ पे लग गए सब खाने के लिए और यहाँ पे दीपू गए हैं रामनगर के खस्ते गोल, वो बिलाओ गोल मटोल रामनगर के खस्ते गोल, इसके फेवरेट। और भाई खस्ते कुछ इस तरीके से तैयार किए जाते हैं, देख रहे हो भाई, ये तैयार किए जा रहे हैं खस्ते। ये रसगुल्ले रखे हुए हैं, समोसे। खस्ते खाने के बाद भाई गुलाब जामुन कैसे लग रहे हैं? यम्मी भाई, कैसे लग रहे हैं? कड़वे हैं, फीके हैं, कैसे हैं? खट्टे हो रहे हैं? ओ भाई भाई भाई, मैं नहीं खा रहा भाई खट्टा। तो भाई हम खस्ते खा के आ चुके हैं और हम इसमें निकल चुके हैं वहाँ से भाई, फिर एक पतली गलियों से। और भाई हम आए थे बैराज तरफ से, अब जाते हैं भाई दूसरे पुल की तरफ से। तो भाई हम निकल चुके हैं दूसरे पुल के लिए और अब हम वहाँ पे नहीं जाएंगे बैराज वाले पे। हमने जो नया बाईपास बना है उस बाईपास से निकलेंगे और वहाँ पे देखते हैं भाई। रोमी भाई बोल रहे थे फोटो वोटो शूट करने के लिए, थोड़ा उनसे पूछते हैं रामनगर कैसा लगा उनको, और वो यहाँ पे रामनगर पे आएंगे थे। और मोमो खस्ते कैसे लगे यहाँ से? खस्ते के खस्ते में बहुत मजा आया गाइस, 30 रुपए की एक प्लेट, ज़्यादा सस्ते भी नहीं थे, इतने सस्ते भी थे। भाई रेड मार दी इन्होंने बढ़िया करके। और वो खट्टे गुलाब जामुन कैसे लगे बताओ मुझे? खट्टे गुलाब जामुन के मजा आया, खट्टे मेरे दांत खट्टे हो रहे हैं मेरे। तो रोमी भाई आपको मजा आया ना? बहुत मजा आया। तो यार फाइनली हमने मोमो और खस्ते खा लिए भाई, काफ़ी मजा आया ये मोमो खस्ते खाने में। और भाई हमने बैराज में भी घूमा और वहाँ का जो पार्क था काफ़ी बढ़िया था भाई, एक नंबर व्यू था वहाँ का। और इस टाइम हम भाई जो बैराज का बाईपास बना हुआ है वहाँ पे हैं। तो यार यहीं पर ही हम रामनगर करते हैं अलविदा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और भाई जो भी हमारे चैनल में नया हो भाई, मक्खन सा हाथ लगा कर लाल वाले बटन में भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे साथ में रोमियो भाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, रॉयल रोमियो करके। तो रोमियो भाई कुछ बोलना चाहोगे हमारे लिए? बाय।